इस बड़ी खबर आपको बता रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तोड़ने के मामले में पुलिस ने कॉन्ट्रैक्टर को जो है गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र पुलिस ने चेतन पाटिल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जिस तरीके से ढह गई थी अचानक से, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था, जिसको लेकर सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक ने जो है ये कहा था कि बहुत दुखद है और एक बार फिर से बड़ी मूर्ति जो है वहां पर स्थापित की जाएगी। मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या जानकारी, कौन है ये चेतन पाटिल? अनुपमा, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जब ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति गिरी थी, उसके बाद सिंधुदुर्ग पुलिस ने पूरे मामले में दो से तीन आरोपियों के नाम दर्ज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर और जो कंस्ट्रक्शन किए थे उनके खिलाफ ये बकायदा नाम दर्ज एफआईआर की गई थी। इस पूरे मामले में सिंधुदुर्ग पुलिस ने कल देर रात से एक चेतन पाटिल कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है जो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है वो फरार चल रहा है और दूसरे गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। आज जिस कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया गया उसका नाम चेतन पाटिल है और आज वहाँ के कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस पूरी कोशिश करेगी ज्यादा से ज्यादा पुलिस डिमांड लिया जा सके ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति थी वो किस वजह से गिरी, उनका काम ठीक से हुआ था या नहीं हुआ था। अनुपमा, बिल्कुल विवेक, बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, चेतन पाटिल को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर किस वजह से ये मूर्ति गिरी। विवेक लौटेंगे आपके पास, नजर बना के रखेगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के